ইন্টারনাল ম্যাটার বেচা কেনা হচ্ছে, নারী শিশু এবং রোহিঙ্গা ইস্যু, উইঘর ইস্যু, তোরা তো অলরেডি স্বাধীন আছে। স্বাগতম সবাইকে বিচরেশনে, আমরা চলে এলাম আজকে আরেকটি ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সেটি কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে। আর ভিডিও টাইটেলটি হচ্ছে ওআইসি কান্ট্রিজ অ্যান্ড ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া রিফিউজ ওআইসি কান্ট্রিজ প্রপোজাল অন কাশ্মীর ইস্যু। খান স্যার এই ভিডিওটিতে অনেক কিছু বলেছে, তো আমরা আসলে এই ভিডিও সম্পর্কে কিছুই জানি না। খান স্যার কী নিয়ে কথা বলবে এখানে, উনি অনেক সময় অনেক বেশি কিছু জানে এবং জেনে শুনে রিসার্চ করেই কথাগুলো বলে, তো আমরা এখান থেকে কিছু জানতে যাচ্ছি। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। দেখিয়ে ভারত সরকার নে অভি ইসলামিক অর্গানাইজেশন কে যো কান্ট্রি হ্যায় 57 দেশ উনকে প্রস্তাব কো ঠুকরা দিয়া হ্যায়, আর ও লোক যো কাশ্মীর কো লেকে যো প্রস্তাব দিয়ে থে উসকে বারে মে সমঝতে হ্যায় আর কিউ ঠুকরা দিয়া গয়া আর ইন লোক কি চাল কিয়া হ্যায় সমঝিয়ে। দেখিয়ে আমরা যে 2019 মে 370 কো হটায়া থা তো কাশ্মীর মে ভায়োলেন্স ভড়ক না যায়, ওয়াহা কে লোকাল নেতা বওয়াল না মচা দে, ইসলিয়ে ওয়াহা বহুত সারে রিস্ট্রিকশনস লাগা দিয়ে গয়া, ওয়াহা কারফিউ লাগা দিয়ে গয়া, ইন্টারনেট সার্ভিসেস কো কাট দিয়ে গয়া, বহুত সারা, কিউকি দেশ কে লিয়ে জরুরি থা। हमको ये समझना जरूरी है कि हमारे देश की जनता जरूरी है, लेकिन जहाँ देश की बात आती है तो जनता से ऊपर देश हो जाता है। लेकिन सरकार ने सदन में खड़ा होकर कहा था कि जिस समय वहाँ की मिलिटेंसी कंट्रोल हो जाएगी, धीरे धीरे वहाँ कश्मीर को एक पूर्ण राज्य की दर्जा दे दिया जाएगा, यूनियन टेरिटरी में जनता के पास सरकार तक आवाज़ पहुँचाने के लिए उतना ज़्यादा रास्ते नहीं रहते हैं जितने कि मतलब एक असेंबली वाले स्टेट में रहते हैं जिनका पूर्ण राज्य का दर्जा होता है। तो सरकार इसको देख रही थी, और पिछले एक डेढ़ साल से आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में पत्थर वाली बात या फिर मिलिटेंसी काफ़ी कंट्रोल हो गई थी। इसको देखते हुए हालांकि वहाँ काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए गए थे, वहाँ इंटरनेट बैन था, 100 दिन से ज़्यादा वहाँ पे इंटरनेट को बैन किया गया था। तो ये देश के लिए ज़रूरी थी भाई। देखो हमारे लिए, हम समझते हैं कि आप लोग को तकलीफ हुई है, लेकिन देश के लिए थोड़ा ज़रूरी था। 100 दिन इंटरनेट के लिए अब भरपाई हो जाएगा भाई, फिर से इंटरनेट आ जाएगी। लेकिन बात समझिए, पूरी गेम प्लान समझिए। जैसे ही सरकार ने कश्मीर के नेताओं को मीटिंग के लिए बुलाया, भले ही इस कोरोना के दौर में मोदी जी या कोई भी बड़े नेता लोग मास्क नहीं पहने थे, ये इन लोग की गलती थी, देश में अभी भी कोरोना इतना कंट्रोल नहीं हुआ है, ये बड़े लीडर है महाराज, आप लोग को देख देख के देश सीखता है। देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती, महिलाएं इस मामले में ठीक रहती हैं फोटो वोटो खिंचवाने में, अब यहाँ इन लोग को मास्क पहनना चाहिए। लेकिन टॉपिक पे आते हैं, समझिए। तो जब ये बात चल रही थी कि कश्मीर को अब पूर्ण स्टेट दे दिया जाए, तो सारे लोग लगभग सहमत हो गए थे। अब सरकार भी चाहती है कि जो कश्मीर के लोग हैं, जो आतंकवाद के रास्ते को छोड़कर भारत के लोकतंत्र में विश्वास किया, भारत के साथ जुड़े रहे, उन लोगों की भलाई के लिए वहाँ पे पूर्ण स्टेट दिया जाए। देखिए 10-20% वहाँ पे मिलिटेंट्स के वजह से सारे लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ रही थी, जो सही नहीं था। तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया कि वहाँ कहा कि अब असेंबली बनेगी, वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को ये लोग ठीक करेंगे, अब कश्मीर का मामला कश्मीर में सुलझ जाए। जैसे बिहार में कुछ होता है तो पटना में वहाँ विधानसभा है, वो लोग देखते हैं। अब बिहार की समस्या को आप ले जाएंगे दिल्ली में, तब तो पता चला 2020 में समस्या आएगा तो 30 में सुलझेगा, वैसे भी वहाँ बहुत लेट से सुधरता है कोई भी चीज़। लेकिन असेंबली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही सरकार ने स्टेप लिया, इन लोगों को लगा कि भैया मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर अंधेरा खत्म हो जाएगा तो इनका टॉर्च कैसे बिकेगा। ध्यान से समझिए, अगर कोई आपको अंधेरे से डरा रहा है, मतलब वो टॉर्च बेचना चाह रहा है। अगर अच्छा। कश्मीर में ये लोग नहीं चाहते हैं कि कश्मीर के लोग खुशहाल रहें, क्योंकि कश्मीर के लोग खुशहाल हो जाएंगे तो इन लोग की दुकानें बंद हो जाएंगी। जैसे कश्मीर की लोगों की बात भारत सरकार करने आई, इन लोगों ने बम फोड़ना चालू कर दिया। कश्मीर में वापस खुशहाली आने वाली थी तो कश्मीर के जम्मू एयरबेस पर इन लोगों ने एक चाइना में जो शादी ब्याह में जो घूमता ना ड्रोन, इससे बम फोड़ दिया। हालांकि 2 सैनिक इंजर्ड हुए थे, बहुत ज़्यादा क्षति नहीं हुआ था, लेकिन भारत के लिए सिक्योरिटी कंसर्न था। लेकिन इस हमले की वजह से कश्मीर के लोगों को जो उनका हक मिलने जा रहा था, वो एटलीस्ट 6 महीना डिले हो गया। अब वहाँ के लोगों को लगता है कि ऐसा कि अब वो लोग अब आतंकवादियों को भर्ती करेंगे कि देखो कश्मीर में क्या हो रहा है, लेकिन वो जानबूझ के चाहते हैं कि कश्मीर में अशांति रहे ताकि उन लोग का दबदबा रहे। कश्मीर मुद्दा को लेकर ये जो है बकलोलवा चल गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC के पास। इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। ये लोग इसराइल को कंट्रोल करने के लिए 57 देशों ने मिलकर अपना एक संगठन बनाया था, लेकिन ये लोग अकेले इसराइल को कंट्रोल, वो अकेला है, कंट्रोल नहीं कर पाए। अब ये चला गया वहाँ पर, कहा गया कि कश्मीर के मुद्दा को सॉल्व कर दीजिए। अब खुद से जरा सोच के देखिए
कि ये 57 देश मिलकर फिलिस्तीन में सीज फायर नहीं करा पाए तो या क्या कश्मीर में ये लोग आके 370 को वापस ले आ पाएंगे? इनके कहने पर 300 कश्मीर इनके हिसाब से चलेगा? नहीं, ये अपने यहाँ केवल वोट की राजनीति करते हैं, इनके यहाँ दूसरा कोई मुद्दा नहीं चलता है। अब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जितने देश हैं वो उसका मुख्यालय मक्का में सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब में इनका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इनको खुश करने के लिए इन लोगों ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि ये भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में मध्यस्थता करेंगे और कश्मीर के मुद्दों को सॉल्व करेंगे। मुसलमानों की इनको ज़्यादा चिंता होती है, इन लोग को बहुत ज़्यादा, अभी बताते हैं इनको कितना चिंता हो रही है। अब ज़रा ध्यान से समझिए, सबसे पहला बात कि कश्मीर मुद्दा में इन लोग को इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए, इससे पाकिस्तान को लॉस होगा। समझिए, तीन चार चीज़ों को ध्यान से समझिए। यूएन ने डिक्सन आयोग का गठन किया था, यूएन का डिक्सन आयोग ने कह दिया है कि पाकिस्तान और कश्मीर जो है ये इंडिया पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। तो भैया वोक आप लोग को इंटरनल मैटर में क्या जरूरत है इंटरफेयर करने की? इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरनल मैटर में नहीं करना। दूसरा, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स भारत में ऑलरेडी रहती है, वो श्रीनगर में भी उसका हेड ऑफिस है और इस्लामाबाद में भी है। यूएन देख रहा है, ये अपने आप को यूएन से भी बड़ा समझने लगे हैं। और पाकिस्तान ने 1972 में जब वो ये बांग्लादेश हार गया था, पाकिस्तान कहता है कि हम कश्मीर वापस लेंगे, अरे बैल कहीं का, तुम्हारा बांग्लादेश चल गया, पूर्वी पाकिस्तान तुम्हारा ही था, चला गया। तो जब हम लोगों ने उसके 93,000 फौज को पकड़ लिए थे, ये लोग गजवाई हिंद करेंगे लोग साले, ये लोग अभी भारत को जीतेंगे, 93,000 फौज को हम लोग मार मार उसको गाय गोरु की तरह बांध के रखे थे लोग। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ समझौता हुआ, शिमला एग्रीमेंट, जिसमें कहा गया कि हम आपके 93,000 फौज को छोड़ेंगे एक ही शर्त पे कि आप कभी भी कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पे ना ले जाके बायलेटरल यानी द्विपक्षीय सुलझाएंगे। तो इसका मतलब ये शिमला समझौता का उल्लंघन है। तो शिमला समझौता में ही कहा गया था कि हम लोग की जो बाउंड्री बनाई गई है एक्चुअल कंट्रोल अभी तत्काल के लिए यही है, तो अगर आप इसको इंटरनेशनली उछालेंगे तो हम लोग इधर घुस जाएंगे। इसका मतलब पाकिस्तान न्योता दे रहा है कि हम शिमला समझौता तोड़ेंगे इसे इंटरनेशनल मुद्दा पे ले जाके, तो आप ये बॉर्डर तोड़ के घुस जाइएगा अंदर, तो भारत के लिए क्या दिक्कत है, हम लोग तो इंतजार में बैठे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इसका जवाब दिया है, कहा है कि OIC यानी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्री है ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ के बाद ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसे सोच समझ के अपने वक्तव्य को देना चाहिए। ये पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आकर एक बायस्ड डिसीजन लिया है और एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा का शिकार हो गया है। यहाँ के जितने देश हैं, ज़्यादातर देश कश्मीर के इस ऊपर भारत से कभी खुलकर नहीं कहते हैं, ये भारत के पास आते हैं तो कश्मीर मुद्दा इनसे रहता ही नहीं है, चाहे वो मोदी जी की मुलाकात यूएई में हो, सऊदी अरब में हो, बहरेन, कतर, कहीं से भी हो, वो लोग के सामने ये मैटर ही नहीं रहता। ईरान ने भी कभी कश्मीर के मैटर पे इंटरफेयर नहीं करता है। तो इन लोगों ने स्पष्ट कह दिया और इन्होंने भी कह दिया कि आपके कहने न कहने से कश्मीर में कुछ नहीं हो सकता है, कश्मीर में वही होगा जो भारत की संसद चाहेगी। और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और इस छर्रे को समझाने के लिए एक बात बता देते हैं कि भारत में पूरी दुनिया के 10% मुस्लिम रहते हैं और बहुत खुशहाल ढंग से रहते हैं, भारत में 14% मुस्लिम रहते हैं, जो संख्या में देखेंगे तो लगभग 20 करोड़ हो जाते हैं, इसके यहाँ 21 करोड़ मुस्लिम रहते हैं और भारत में 20 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। हद बेवकूफ़ी देखिए, दुनिया का ऐसा कोई पागल देश नहीं होगा जो अपने देश की जनसंख्या के बराबर किसी दूसरे देश की जनसंख्या का बोझ ले कि हम भी इनका ख्याल रखेंगे। तुम क्या ख्याल रखोगे रे बैल कहीं का? भारत में इन लोग का कहना है कि मुस्लिम में माइनॉरिटी में, तो भैया यहाँ पे जैन माइनॉरिटी है, बौद्ध माइनॉरिटी है, ईसाई है, सब बहुत माइनॉरिटी के हैं यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता है। जबकि अगर आप देखिएगा इन रियलिटी तो इस्लाम सेकेंड मेजॉरिटी भी है, आप माइनॉरिटी कह सकते हैं कि ज़्यादातर राज्यों में माइनॉरिटी है, तो पूर्वोत्तर में हिंदू धर्म भी वहाँ पे क्या चीज़ है, माइनॉरिटी है, बट वो सेकेंड मेजॉरिटी भी है साथ साथ है। इसको क्या ज़रूरत है हम लोग के मैटर में इंटरफेयर करने की? हमारे यहाँ ऑलरेडी जो जहाँ है वो भी कोई बिजनेस में है, कोई जॉब में है, सब अपने जगह पे सेटल है। ये ससुरा जानबूझ के इंटरफेयर करता है हम लोग के मैटर में, ये कहेगा कि कश्मीर में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के मुसलमानों का हाल देखिए, ये सिया सुन्नी के मस्जिद में बवाल हो जाता है, वो वहाँ बम फोड़ देगा, वो उसको बम फोड़ देगा, तो ये मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, यहाँ बम फोड़ दिया जाता है और आए दिन आपको महीने में एक दो फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं बम फोड़िए देगा। भारत में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिया का भी मस्जिद है, अहले हदीस बरेलवी सुन्नी 75 कैटेगरी की मस्जिदें हैं, जिसका जिसमें मन जाओ कोई किसी दूसरे में बम नहीं फोड़ता है, ये हमारे देश की संस्कृति है। और ये वो लोग कहते हैं कि जिनके यहाँ ये सुरक्षित है मस्जिद, यहाँ पर देखिए इस बच्चे को क्या दोष है, इस छोटे से बच्चे पर एक बड़ा दया आती है, ये बेचारा गया होगा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आराम से खुशी खुशी, इस बेचारे की बस यही गलती है कि ये पाकिस्तान में जन्म ले लिया, जहाँ मुसलमान लोग की ये हाल है कि मस्जिद में छोटे छोटे बच्चों का बम फोड़ दिया जा रहा है। ये भाई साहब मस्जिद में कपड़े में खून से लदा हुआ ये कपड़ा है लेके अपने रिश्तेदार को खोज रहे हैं कि भाई नमाज पढ़ने आए थे यहाँ पर,
और ये लोग भारत में बताएंगे कि मुस्लिम सुरक्षित है या नहीं है। ये अपने इनके देश में देखिएगा तो हजारा मुस्लिम होते हैं जिनको ये कहते हैं कि इनकी आंखें छोटी छोटी होती है, चाइनीज की तरह दिखते हैं, ये मुसलमान नहीं। अरे यार, किसी का नाक नक्शा अगर क्लाइमेट की वजह से कुछ है नहीं, मान के चलिए आपसे अलग दिखता है, तो आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप फटाक से कहते हैं फलाना मुस्लिम है फलाना नहीं है। हजारा मुसलमानों को ये लोग लाइन से खड़ा करके गोली मार देते हैं, जेनोसाइड जहां तहां होता है। और उस पर ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये 57 देश एकदम चुप रहते हैं। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को घर में खींच के मार दिया जाता है, बलोचों को हेलीकॉप्टर से गोली चला के मार दिया जाता है, वहां इन लोग को मध्यस्थता करना नहीं दिखता है। और भारत में सब लोग शांति से जी रहे हैं भाई, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब से हर इंसान मिलते जुलता रहता है। हाँ, जहाँ लोग रहते हैं कुछ आपसी छोटे मोटे विवाद भी होते हैं, तो आपस में जहाँ रहता है वहाँ लोग होता ही, तो हम लोग अपने में सॉल्व कर भी लेते हैं यहाँ पर। लेकिन ये लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर, इनको लगता है, बताइए, ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये एक धार्मिक देश है, खुद जरा मेंटेलिटी देखिए, ये धार्मिक संगठन उस देश पर उंगली उठा रहा है जो देश सेकुलर है। हमारे देश में कोई जैन बौद्ध ईसाई इस सबसे कोई दिक्कत नहीं होता। एक इंटरनेशनल सर्वे में बताया गया था, मेनली भारत में तो सबसे बड़ी मेजॉरिटी हिंदू है, सेकेंड मेजॉरिटी मुस्लिम है। तो इसमें क्या हुआ था, एक सर्वे में बताया गया था कि 91% हिंदू लोग का ये बिलीव है कि कोई भी दिक्कत नहीं है हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर, और 89% मुसलमानों का भी कहना है कि कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जो रियलिटी है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, दो चार तो नेतागिरी के चक्कर में इधर उधर हो जाता है, कोई यहाँ भारत में दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में भी कुछ लोग का कहना है दिक्कत है। तो भैया, भारत जैसे देश में अगर किसी को खराब लग रहा है, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर भारत में किसी को खराब लग रहा है तो उसके लिए दुनिया में कोई जगह ही नहीं बचा। क्योंकि अगर भारत में नहीं बस सके तो भैया तुम तब अंटार्कटिका में जाके ट्राई करो, वहाँ पर कहीं अच्छा लगे, वहाँ पर कोई नहीं रहता है। भारत में लोगों को तकलीफ रही है, वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग दुनिया को, मतलब शत्रु को भी हम लोग इज्जत के नजर से देखते हैं। राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, तो उनको भी हम लोगों ने आचार्य की उपाधि दिया था। चाइना के सिंजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों को जानवर से भी नीचे रखा जाता है। वहाँ की मुस्लिम महिलाएं अगर घुटना से नीचे कपड़ा पहन लेती हैं तो सड़क पर उनके कपड़े को उनके बच्चों के सामने नंगा करके काट देता है। यहाँ पर मौलवी लोग अगर दाढ़ी रख लेते हैं तो उन्हें डांस करके नाचना पड़ता है, ऐसे ऐसे नहीं तो क्लीन शेव में ऐसे दाढ़ी में रखिए, ऐसे आपको रखना है। तो वहाँ आपको कुरान का एक फिक्स हिस्सा ही पढ़ने दिया जाता है, 300 पारा नहीं पढ़ने दिया जाता, लेकिन आपको गारंटी कहते हैं ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्री है ये कभी भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि इनकी भी एक मजबूरी है। देखिए, जिस तरह से हिटलर ने 1938 में यहूदियों को कटवा दिया पूरी तरह से, सेम उसी तरह से उसी फॉर्मूला पर उसी तरह से डिटेंशन कैंप बनाया है, उसी तरह से यातनाएं देता है सी जिनपिंग। फर्क ये है कि सी जिनपिंग के सिंजियांग प्रांत में मुसलमानों को कचर देता है, वीगर मुसलमानों को, और हिटलर जो है वो जर्मनी में यहूदियों को ऐसे डिटेंशन कैंप में मार देता था। यहाँ पर वो 1938 में चालू किया था, ये 2018 से ये कैंप चालू किया, पूरी दुनिया को पता। ये कहता है कि हम इन्हें सुधार रहे, सुधारता नहीं है, ऑनलाइन बेचे खरीदे जाते हैं यहाँ के लड़कियाँ लोग को, लड़कों को कोई ले जा सकता है यहाँ पर, ये हाल करके रख दिया। लेकिन ये लोग आवाज़ इसलिए नहीं उठाते हैं कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन देशों को पता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एक ही साइड में रहेगा, वो लोग इंटेलेक्चुअल सोचते हैं, रूस इन लोग के साथ आएगा नहीं, तो इनका अपना यूएनओ में कोई पकड़ नहीं है, दुनिया में इनका कोई बहुत बड़ा न टेक्नोलॉजी में है न एजुकेशन में, कहीं पे इनका कोई रोल नहीं है, तो चाइना ही इन्हें यूएनओ में बचाता है। तो ये चाइना के एकदम जी हजूर, हाँ हाँ सी जिनपिंग साहब, ये कचर के थूरते रहता है, इनकी इज्जत लूट लिया, इन लोग को थूर धार दिया, लेकिन ये लोग उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। जांच किसके खिलाफ करेंगे, भारत के खिलाफ, जहां किसी को इस तरह का कोई तकलीफ नहीं होता है। इन लोगों को कश्मीर की समस्या दिख गई और कश्मीर में ये दिख गया कि एक साल से इंटरनेट नहीं है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं दिखा कि 1990 से कश्मीरी पंडितों को जो भगा दिया गया था, उनके घर से भगाया गया, उन्हीं के देश में वो अपने देश में शरणार्थी बन के रह गए, इन लोगों को वो नहीं दिखा। देखिए, व्यक्तिगत रूप से हमें इस बात का भी तकलीफ है कि इनके पास नेट नहीं है, लेकिन इस बात के लिए भी दुख है कि इनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। दुख इस बात का भी है कि ना हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं, ना इनके लिए कुछ कर सकते हैं, ना इन्हें अपना अभी तक हक मिला है। लेकिन कहना ये है कि आप एक ही राज्य में अगर आप देखते हैं तो दो नज़रिए से क्यों देखते हैं। इनके साथ समस्याएं आई हैं जो कर्फ्यू वगैरह लगा दिया जाता है, जैसे हम लोग लॉकडाउन में समस्या आई थी, इन लोग के लिए भी वो था, तो दोनों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप लोग इंटरफेयर नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चिल्लाने को चिल्ला सकते हैं, आपको कौन रोका है। देखिए, OIC के जो 57 कंट्री है, इनकी बहादुरी को भी देख लेते हैं कि कहां कहां इन लोगों ने मुसलमानों का साथ दिया
और ये जो पाकिस्तान मुसलमानों का मसीहा दिखता है, कहाँ कहाँ इन लोगों ने साथ दिया। इनके साथ देने के बदौलत वीगर मुसलमानों को जानवर की तरह खसीट के ले जाया जाता है। एक महिला को एक मर्द पुरुष खींच के ले जा रहा है और पूरा सरेआम ये इन लोग का इतना अच्छा सहयोग है कि ये इन्होंने इन लोग के लिए कुछ नहीं किया। ये कहते हैं कि हम इनका साथ देंगे। पूरी दुनिया ने देखा कि बेचारे रोहिंग्या मुसलमानों को जानवर की तरह ज़िंदगी जीनी पड़े। म्यांमार में दौड़ा दौड़ा के मार दिया गया उन लोग को। इस तरह से जहाँ तहाँ झोपड़ी पलानी रह के वो किस देश में, भारत में भी शरण लिए हैं, बांग्लादेश में लिए हैं, इनके लिए इन लोगों ने कुछ किया, कुछ नहीं किया। लेकिन भोपू लेके चिल्लाने में सबसे आगे यही लोग रहेंगे। इन लोगों को कह देंगे तो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। सीरिया का क्या हाल हो गया बताइए। ये मासूम बच्चे, 2 महीना 3 महीने के बच्चे, इनके ऊपर बम गिर रहा है। देखिए ये हम लोग बचपन में पेड़ पे ऐसे बैठ के झूला खेलते थे, ये टैंक पे बैठ के झूला खेल रहा है बेचारा। ये बच्चे का भविष्य है और ये लोग कहते हैं कि हम लोग साथ देंगे। भैया आप लोग साथ मत दीजिए, आप लोग का साथ देना बहुत घातक हो जाता है। एक और इनका साथ देखिए, फिलिस्तीन पर जब इजराइल बम मारता है तो सारे लोग आ जाते हैं। इधर से अर्दोगान कहेगा, इधर से पाकिस्तान कहेगा, इजराइल को मार देंगे, बम मार देंगे, मिसाइल मार देंगे, परमाणु बम मार देंगे, भाला मार देंगे, तोप मार देंगे, कुछ भी। जब सीज फायर हो जाएगा, सीज फायर हो गया, चलो चलो अपने घर चलो, फिर पिटाएगा फिलिस्तीन तो फिर आ जाएगा यहाँ पर। अभी बताओ जो लोग जो लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे लोग, अभी कहाँ गए लोग? ये सब निकलेंगे, सब बरसाती मेंढक की तरह। फिर इजराइल मारेगा बम और फिर मारेगा, क्योंकि 2014 में इजराइल ने कहा था कि हम फिलिस्तीन को 500 साल पीछे ढकेल देंगे, और वो हमेशा मारता है 50-50 साल पीछे ढकेल। जब भी वहाँ कोई स्कूल कॉलेज फैक्ट्री बनती है, बम मार के उड़ा देता है बिल्डिंग वगैरह। ये लोग फिर उठेंगे, कोई स्टेप लिया इन लोगों ने नहीं। लेकिन भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया था, यूएनओ में फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा था और कहा था कि हम फिलिस्तीन के साथ स्ट्रांगली खड़े हैं। फिलिस्तीन के लोगों को $4 मिलियन का भारत ने पैसे भेजा था। फिलिस्तीन के सोल्जर्स को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, उनके ऑफिसर्स को, उनके लोगों को ट्रेनिंग दिया गया ताकि वो फिलिस्तीन से इजराइल से वो लोग जाके एटलीस्ट कम से कम एक लीडर लेवल पे तो बातचीत तो कर सके। वहाँ पर जहाँ हमारे मिलिट्री के अफसरों को ट्रेनिंग दिया जाता है, वहाँ फिलिस्तीन के लोगों को भी ट्रेनिंग दिया गया। तो ये हम लोगों ने किया, बल्कि हम लोग इन भोपुओं की तरह चिल्लाए नहीं थे कि नेतन्याहू को ये कर दो। भाई तुम कुछ नहीं कर सकता, बताए ना, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, मरवाओगे बस इन लोग को। ये बस चढ़वा देते हैं कि हाँ चढ़ जा चढ़ जा चढ़, उसके चक्कर में पूरा हाल हो जाता। इन लोग को भारत में झांकना है। एक्चुअली इसका चाल क्या है, अगर ये लोग इलेक्शन में कहेंगे कि हम GDP बढ़ाएंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नाम करेंगे, तो इन लोग को समझ में नहीं आएगा यहाँ की जनता को क्या बोल रहा है। ये कहेगा हम कश्मीर को आज़ाद करेंगे, तुरंत जनता इसको वोट डाल देगी, कश्मीर आज़ाद कराएगा। अरे भैया कश्मीर तुम कब लोगे, तुम उसको गोली छोड़ो ना, तुम्हारा अपना पूर्वी पाकिस्तान याद है कि नहीं? ससुर को देखिए, आप पूरा गेम समझिए। ये क्या कहता है, इसके यहाँ 97% मुस्लिम रहते हैं, यानी अप्रॉक्स इसके पास 20 करोड़ मुस्लिम है, और भारत में इंडिया में 14%, मतलब 19 करोड़ अप्रॉक्स ये आंकड़ा है। ये कहता है कि भारत के मुसलमान का ये ख्याल रखेगा। अरे बैल कहीं का, तुमको पता भी है 19 करोड़ लोगों को अगर ये एक महीने का राशन भी देगा ना, हज़ार रुपये का, तो इसका दिवालिया निकल जाएगा। इसके देश का जो टोटल फॉरेन रिजर्व है वो $16 बिलियन है बेटा। तुम्हारे यहाँ $16 बिलियन रुपये, और हमारे यहाँ मुकेश अंबानी का इनकम पता है नेटवर्थ कितना है, $85 बिलियन। तो तुम्हारा जो $16 बिलियन तुम्हारे देश के पास है ना, मुकेश अंबानी की पत्नी ना यहाँ लेके घूमती है अपने, सोचिए। ये ससुर को नहीं को पते नहीं है भारत के लोगों का ये साथ देगा। इसकी खुद की औकात देखिएगा ना, तो देखिए इसका जूता फटा हुआ है, यहाँ दिख रहा है तो जूता फाटल ससुर फाटल जूता पहन के फोटो खिंचवा रहा है और भारत के लोग का साथ देगा। भाई तेरा दिन खराब है, तू उधरे रहो। देखिए इन सालों का बस एक ही काम है कि भारतीय मुसलमानों को बदनाम करो, इनका जीना हराम करो। ये इस तरह एकदम आराम से करते जाते हैं, समझिए कैसे। राहुल गांधी अपने जगह पे सही है, लेकिन बस इनका मियां खलीफा 3 से 4 बार तारीफ कर देगी, हम राहुल गांधी के साथ हैं, हम हमेशा इनके लिए साथ रहेंगे, इनको आगे बढ़ते हम देखना चाहते हैं। बस इस स्टेटमेंट की वजह से इनके कैरेक्टर पे सवाल उठने लगेगा, जबकि ये अपने जगह पे सही है, इनको कोई लेना देना नहीं है। वैसे आप एक और एग्जांपल से समझिए, हम पाकिस्तान से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हाफिज सईद 2 से 3 बार बस मेरा तारीफ कर दिया कि हम खान सर के साथ हैं, खान सर को कुछ नहीं होने देंगे, जब तक जियेंगे खान सर के लिए जिद्दोजहद करेंगे, हमको लोग आतंकवाद की नज़र से देखने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है समझिए, क्योंकि होता क्या है कि
एक अमृत में इतना ताकत कभी नहीं है कि वो नाली के पानी को ठीक कर सके, लेकिन नाली के पानी में इतना ताकत जरूर होता है कि वो पूरे अमृत को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए जब गलत इंसान आपका साथ देता है ना, तो वो आपको साथ नहीं दे रहा है, बल्कि वो पोलाइटली बहुत धीरे धीरे आपको बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे लोगों का साथ देना ही आपके लिए दुश्वारी हो जाती है। यही होता है भारतीय मुसलमान के साथ। ये साला पाकिस्तान वाला अपने फायदा के लिए दिन भर कहेगा हम भारतीय मुसलमानों के साथ हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम उनके साथ जिद्दोजहद करेंगे, हमारे पास परमाणु बम है, मार देंगे, मुसलमानों को बचा के मारेंगे। अब आप बताओ कौन सा साला परमाणु बम को पता है कि आगे वाले का जाति धर्म क्या चीज है, हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई क्या है? लेकिन ये जरूर बोलेंगे। इससे क्या होगा, इन लोग की बदनामी हो जाएगी और ये कहेंगे हम तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तो भैया इन लोगों को भी सोचना चाहिए, भारतीय मुसलमानों को, कि भाई इन लोग को समझाओ कि भाई हम जैसे हैं सही हैं, हमें कोई जरूरत रहेगी हम अपने हिसाब से अपने गवर्नमेंट से मांग लेंगे। अब तुम लोग दे क्या सकते हो ससुर, तुम्हारे पास है क्या चीज देगा? ये बस बदनामी कर सकते हैं हम लोग की। ये अपने देश के चुनाव में बोलता है कि भारत के मुस्लिम इसके साथ में। अरे ससुरा जूता से मारा जाएगा तोरा को समझ में नहीं आता, इसको लगता है दो चार को इसको टेलर दिखाना पड़ेगा। चलिए इसको दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पे देख भाई, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि जिस राज्य को पाकिस्तान के साथ मिलना है या जिसे भारत के साथ मिलना है मिल जाए, स्वतंत्र रहना है तो रह जाए। तो कश्मीर कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे राजा हरि सिंह, तो पाकिस्तानी आतंकवादी वहां घुस गए। तो ये राजा हरि सिंह की गलती थी, वो नेहरू के पास भागे भागे आए कि हमारी मदद के लिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि पहले साइन कीजिए, भारत में मिलेंगे तब मदद करेंगे, तब बोला गया। तब ब्रिगेडियर उस्मानी अपनी फौज लेके पहुंचे थे और ब्रिगेडियर उस्मानी ने 900 पाकिस्तानियों को भारत की पहली लड़ाई जैसे जैसे देश आजाद हुआ ना सुता दिए, उनको कब्र में वहीं पे बैठा के रख दिया। और याद आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जहां पर ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा गया, ये अपनी पलटन लेके जब वहां पहुंचे, तो आज भी जगह वो हमारे लिए लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया है। वहां से एक कदम पाकिस्तानी आगे नहीं बढ़ पाए। वो नेहरू की गलती थी जो इस मुद्दे को लेकर चले गए यूएनओ में। अगर भारत के फौज को दिए रहते ना, तो ये भारत के जो फौज हैं इनके दामाद लोग, ये उसी समय पूरा कश्मीर निपटा लिए रहते लोग। यकीन मानिए अगर उस समय ये मामला यूएन में ना गया रहता और भारतीय फौज के पास रहती, तो पाकिस्तान आज कहता इस्लामाबाद मेरा है। अभी कैसे कहता है कश्मीर मेरा है, वो इस्लामाबाद के लिए चिल्लाता, क्योंकि इन लोग के आगे नहीं टिक पाता। एक और देखिए, इस ससुरा कहता है यहाँ पर क्या क्या, वीर अब्दुल हमीद 65 की लड़ाई में ये चट्टा कहीं क्या, ये अमेरिका से पैटर्न टैंक लाया था, सब 7 पैटर्न टैंक। और इस टैंक की खासियत थी कि इसे कोई मार के गिरा नहीं सकता है। वीर अब्दुल हमीद के पास ये जीप वाला गन था, इससे मारना मुश्किल था। इन्होंने 7 टैंक को मार के गिरा दिया। अमेरिका में रिसर्च टीम बैठी कि मारा कैसे रे भाई साहब इसको यहाँ पर, और इसको ये बदनाम करता है भारत के मुसलमानों को, कहता है कि हम तुम्हारे साथ है भाई, हम लोग थूर देंगे लोग तुम लोग को इतना बढ़िया से कि इलाज ना मिलेगा कहीं। इसको एक और एग्जांपल देखिए, देख भाई फटा जूता वाला, देख यहाँ पर तुमको बताते, ये अब्दुल कलाम साहब, अब्दुल कलाम साहब ने ये जो अग्नि पाइप बनाया ना, ये परमानेंट तुम्हारे बवासीर का इलाज है, ये एकदम यहाँ पे फटे मार के फाड़ देगा, पूरा लाहौर उड़ जाएगा। देखिए भारत की विदेश नीति बिल्कुल स्ट्रांग है, इसको कुछ अता पता है नहीं। इसके यहाँ पे अभी तालिबान वाले ने बम फोड़ दिया, तो जो पाकिस्तान में तालिबान है उसको ये कहता है कि ये गलत आतंकवादी है, और जो अफगानिस्तान में तालिबान है उसको ये कहता है कि वो सही आदमी है। अब तालिबान वाले का क्या मैटर चल रहा है उसको भी समझा देंगे। आई होप आप ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो था OIC की मीटिंग वगैरह, उससे कोई तो फ़र्क नहीं पड़ा, हालांकि वो वहाँ के ज़्यादातर कंट्री कश्मीर इशू में इंटरफेयर होना नहीं चाहते हैं। बाकी भाई साहब तुम भारत के यहाँ देखना छोड़ दो, तुम्हारा अपना परमाणु बम है क्या है अपने पास रखो, आइए जूता सिलवा लो, नहीं दिक्कत है तो फिर अपना पेटीएम उटीएम नंबर दो, हम भेज देंगे जूता सिलवा लो, ठीक है? जूता सिलवा लो, टाका पटा दे, ठीक है? अच्छा যেটা বুঝলাম যে ইন্ডিয়া OIC এর মিটিং এ যোগ দিতে চাচ্ছে না এরকম কিছু, না না, এখানে OIC হচ্ছে অর্গানাইজেশন ইসলামিক, অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কান্ট্রিজ, তো এইখানে কোনো অন্য কান্ট্রি নাই। তো যেহেতু ইন্ডিয়া সেকুলার কান্ট্রি আর হিন্দু রিলিজন বেশি, সেখানে সে এখানে কখনোই যায়নি। তো OIC কি করেছে, তাদের মিটিং ছিল কিছুদিন আগে, সেই মিটিংয়ে তারা প্রপোজ করেছে যে পাকিস্তান আর ইন্ডিয়ার মধ্যে যে কাশ্মীর ইস্যুটা আছে তারা মধ্যস্থকারী করবে আর কি, তারা চায় যে এটা সলভ হোক এরকম একটা কিছু। কিন্তু ইন্ডিয়া অলরেডি বলে ফেলেছে যে এটা আমাদের ইন্টারনাল ম্যাটার, আর ইউএনও যেখানে বলছে যে এটা ভারত আর পাকিস্তানের ইন্টারনাল ম্যাটার, এখানে আমরা নাক গলাবো না। সেখানে OIC তো আরও ছোট একটা অর্গানাইজেশন, সেখানে তাদের নাক গলানো উচিত না, সেই ব্যাপারটা নিয়ে উনি আর কি কথা বলেছে। আর বিশেষ করে উনি আরও বলতে চেয়েছে যে ঠিক আছে, এর থেকে বড় বড় জিনিস পৃথিবীতে ঘটে যাচ্ছে, যেমন উইঘর মুসলিমদের কথা বললো যে সেখানেও কিন্তু ডিটেনশন ক্যাম্প হয়েছে এবং সেখান থেকে বেচা কেনা হচ্ছে নারী শিশু এবং লোকদের। হ্যাঁ, এটা খুবই জঘন্য
একটা জিনিস, আমি জানি না এটা সত্যতা কতটুকু, খান স্যার তো অবশ্যই রিসার্চ করে তারপর বলছে সেই আসলে ইনফরমেশন কালেক্ট করে এটা আসলে খুবই কষ্টদায়ক এই আধুনিক যুগে এসো মানুষকে এই ধরনের ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকা এবং তাদের বেচা কিনা এভাবে হওয়া, এটা আসলে খুবই হৃদয় বিদারক একটা জিনিস। হিটলার যে কাজটা করছিল উইগুর মুসলিমদের সাথে আসলে সেই ধরনের ঘটনা, সেই ধরনের ঘটনা হয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে যে এখানে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট যিনি এরোদান, উনি এইগুলো ইস্যুতে আরো ওনার বেশি না গলানো উচিত, আর ওআইসির উচিত এই বিষয়গুলো নিয়ে, এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা। সেই তুলনায় কাশ্মীর তেমন কোনো বড় ইস্যু না। কাশ্মীরের যেটা উনি ওনার ভিডিওতে বলতে চাচ্ছে যে কাশ্মীরে আসলে যেভাবে আছে, এখানে কিছুদিন তাদের সমস্যা হয়েছে, 100 দিন তাদের ইন্টারনেট ছিল না, কিন্তু ওই মুহূর্তে আসলে তাদের কন্ট্রোলটা দরকার ছিল, কারণ এখানে পাথর ছোড়াছুড়ির একটা গ্রুপ থাকে এবং তোমার জঙ্গি অনেক গ্রুপ থাকে যারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে ওই সময়টা অনেক ক্ষতি করতে পারতো। হ্যাঁ, ইন্টারনেট থাকলে অনেক ক্ষতি পারতো। আমাদের দেশেও হয় অনেক সময়, নির্বাচনের সময় কিন্তু দেখা যায় যে ইন্টারনেট কিন্তু স্লো করে দেয়, বাট ফেসবুক কিন্তু একটু বন্ধ থাকে। তো সেক্ষেত্রেও আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওখানে সরকার তার দেশের প্রয়োজনে কিছুটা বন্ধ করেছে এই জিনিসগুলো, কিন্তু পরবর্তীতে এখন আস্তে আস্তে কিন্তু সব কিছু খুলে দিয়েছে, স্কুল কলেজ খুলে দিয়েছে, এবং যেটা জানা গেছে যে ওখানে কিন্তু নতুন নতুন স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি তৈরি হচ্ছে এবং কর্মক্ষেত্রও তৈরি হচ্ছে, অনেক রাস্তাঘাট তৈরি হচ্ছে। তো সেখানকার মানুষের উন্নতি নিশ্চয়ই করছে, কারণ একটা সরকারেরও কিন্তু একটা প্রতিজ্ঞা থাকে যে একটা জায়গা তারা যখন নিজেরা নিচ্ছে, সেই জায়গাটার উন্নতি সাধন না করলে সেখানকার সাধারণ জনগণ কিন্তু তাদের সাথে চলবে না, তারা যে কোনো সময় আন্দোলন করে দিতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা ইন্ডিয়ান সরকারের জন্য জরুরি। আর উনি যেটা বলতে চাচ্ছে যে বাহিরের ওআইসি অর্গানাইজেশন তাদের বিষয়ে নাক না গলিয়ে অন্য অন্য অনেক বিষয় আছে যেগুলোর ব্যাপারে তারা কথা বলতে পারে। এবং আরেকটা জিনিস আমার যেটা জানা ছিল না, সেটা হচ্ছে যে তোমার ইন্ডিয়া যে ফিলিস্তিনির কিছু সৈনিককে তারা ট্রেনিং দিয়েছে, এ ব্যাপারে আমার কিন্তু জানা ছিল না। কারণ আমরা সবসময় জানি যে হয়তোবা তারা তাদের শত্রু হতে পারে, তারা সবসময় ইসরায়েল সরকারকে কিন্তু সাপোর্ট দিয়েছে, কিন্তু এখানে দেখলাম যে না, ঘটনা এদিকেও তারা সাপোর্ট দিয়েছে, যে ফিলিস্তিনির কিছু সেনাবাহিনীকে তারা সাপোর্ট দিয়েছে যাতে তারা আসলে মুখোমুখিভাবে কথা বলতে পারে এবং আলোচনার মাধ্যমে তাদের প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারে। কারণ আসলে অনেক সময় শিক্ষিত জনগণ বা সেরকম সেনাবাহিনীর একজন না থাকলে কিন্তু সরাসরি আর একটা দেশের প্রধানের সঙ্গে যে কথা বলাটা হয় না, যে কোনো সাধারণ নাগরিক যে কিন্তু বলতে পারে না যে আমার এটা লাগবে, আমার এটা করা, আমার এখানে এটা দাও, এটা দাও, এ কিন্তু বলাটাও একটা, মিটিং করাটাও একটা ফ্যাক্ট। তো সেক্ষেত্রে তারা যে হেল্প করেছে এখানে, টাকা পয়সা দিয়েও কিছু হেল্প করেছে এবং তাদের কিছু ট্রেনিং দিয়েছে, তো এইটা জেনে আমার কাছে ভালো লেগেছে যে না, তারাও চায় যে দুইটা দেশের মধ্যে সমঝোতা হয়ে একটা ভালো কোনো কিছু আসুক। তাছাড়া রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে কিন্তু ওআইসি কথা বলতে পারত, কিন্তু ও রোহিঙ্গাদের ইস্যু নিয়েও কিন্তু ওআইসি কোনো ধরনের কথাবার্তা বলেনি। এতগুলো রোহিঙ্গা মায়ানমার থেকে চলে আসলো, মায়ানমারে এত ধরনের অ্যাটাক হলো, কিন্তু এখন পর্যন্ত ইউএনএ কিছু না কিছু কথা বলেছে। আমরা জানি না যে ওআইসি একদমই এই ব্যাপারে কোনো কথা বলেছে কি বলেনি, বাট আমার কাছে মনে হয়েছে এই ব্যাপারে তাদের একটা পদক্ষেপ নিলে বা আরও ভালো কোনো কিছু করলে অনেক আগেই এই জিনিসগুলোকে কিন্তু তারা সলভ করতে পারতো। তাছাড়া ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রে যে ঘটনাটা ঘটেছে, যে ওআইসি সবসময় কথা বলে যাচ্ছে যে আমরা এটা করব, আমরা ওইটা করব, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি তারা ফিলিস্তিনির পাশে কখনো হেল্প করেছে, ফিলিস্তিনির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এরকম কিন্তু সরাসরি ফিলিস্তিনির সঙ্গে মাঠে যুদ্ধ করছে, এরকম কিন্তু ওআইসির পক্ষ থেকে দেখা যায়নি। আর আমার কাছে মনে হয় যে সবাই হেল্প করতে চায় বা করে, কিন্তু ডিরেক্টলি ওআইসির যে 57টি রাষ্ট্র আছে, সেই 57টি রাষ্ট্র যদি স্ট্রংলি এইসব দেশের সমস্যাগুলো নিয়ে তারা কিন্তু কথা বললে, আমার কাছে মনে হয় না যে বাহিরের অন্য কোনো দেশ এটাকে ফেলে দিতে পারবে। এবং তারা যদি সবাই একত্রে মিশে থাকে তাহলে নিশ্চয় একটা বড় শক্তি কিন্তু, আর আমার কাছে মনে হয় যে তাদের মধ্যেই আসলে এই মিলমিশটা নাই, হয়তো তারা মিটিং করছে, এভাবে নাই। কারণ আমার কাছে মনে হয় যে এখানে আরব যেমন ক্ষমতাধর, কাতার তেমন ক্ষমতাধর, আর সবাই তার, তুরস্ক যেমন তার ক্ষমতা ধরে রাখতে চায়, এখনো সারা দুনিয়াতে চায় যে সে তার সেই পুরনো এম্পায়ার ফিরে পাওয়ার মতো একটা ক্ষমতা ধরে রাখতে চায়। তা আমার কাছে মনে হয়েছে যে তারা নিজেদের ক্ষমতাটাকে আলাদা আলাদা করে দেখছে, কিন্তু তারা যদি এটা করতো যে সবাই মিলে একসঙ্গে একটা ক্ষমতা দেখাতো, তাহলে হয়তো এইসব অনেক সমস্যার সমাধান হতো এবং সাধারণ মানুষ কিছুটা স্বস্তি পেত, যেমন রোহিঙ্গা ইস্যু, উইঘর ইস্যু, এগুলো ইস্যুর থেকে কিন্তু তারা অনেক কিছু সুফল পেত।
আর ইন্ডিয়াতে যেটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ার যে মুসলমানরা আছে তারা কিন্তু অনেক শান্তিতে আছে এবং এখানে কিন্তু সহিংসতা অনেক কম, আমরা আসলে সহিংসতা শুনতেই পাই না বলা চলে। সেই ক্ষেত্রে অন্যদিকে বলা চলে যে পাকিস্তানে বিভিন্ন মসজিদে এবং রাস্তায় নামাজের সময় বোমা হামলা হচ্ছে, এটা আসলে কিছুদিন আগেও কিন্তু একটা গাড়িতে তাদের বোমা হামলা হয়েছে, যে ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করছিল তখন কিন্তু এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তো পাকিস্তানে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন মসজিদে রাস্তা বিভিন্ন সময় বোম ব্লাস্টিং হচ্ছে, এটা কিন্তু সচরাচর ইন্ডিয়াতে হচ্ছে না এবং ইন্ডিয়াতে আমরা এটা দেখতেও পাই না, কিন্তু পাকিস্তান কন্টিনিউয়াসলি এই প্রসেসটা চলছে। সেই জায়গায় তারা নিজেদের দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না, অপরদিকে বলতেছে যে হ্যাঁ আমরা ইন্ডিয়ান মুসলমানদেরকে শান্তি দেব, ইন্ডিয়ান মুসলমানরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে, কিন্তু ওরা তো অলরেডি স্বাধীন আছে, তাদের তো প্রবলেম হচ্ছে না, তোমরা তোমাদের নিজের দেশটা ঠিক করো না। কিন্তু ইমরান খান উল্টো যেখানে যাচ্ছে ওআইসির কাছে কমপ্লেন করছে যে হ্যাঁ কাশ্মীর ইস্যুতে তারা প্রবলেম আছে, ইউএনওর যে মিটিংটা হয়েছিল সেখানেও কিন্তু তারা একই ধরনের কমপ্লেন করছে করেছিল। তো যাই হোক, খান স্যারের এই ওআইসির যে ভিডিওটা ছিল, এই ভিডিওর উপর আমাদের যে রিয়েকশনটা ছিল, এটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো আপনারা সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি।